पंचकुला में अपनी गर्लफ्रेंड को कार में घुमाने के लिए एक युवक ने चाकू की नोक पर टैक्सी चालक से उसकी कार लूट ली। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शनिवार को आरोपी दीपक ने 3000 में एक टैक्सी बुक की और उसके बाद चाकू की नोक पर गाड़ी लूटी और फरार हो गया। बता दें कि आरोपी दीपक ने शनिवार सुबह कालका निवासी स्वप्नील की कार 3000 रुपए किराए पर हायर की। सुबह के समय स्वप्नील ने आरोपी से फोन पर बात कर उसे कालका रेलवे स्टेशन के पास से कार में बिठाया। आरोपी ने स्वप्नील को पीजीआई चलने को कहा, फिर पीजीआई से वापस पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल और उसके बाद मोहाली चलने को कहा। मोहाली में आरोपी एक लैब के अंदर जाकर लौट आया और कार चालक को पंचकुला चलने को कहा। इसके बाद भी आरोपी लूट के इरादे से कार चालक को यहां वहां घुमाता रहा। शाम करीब 5 बजे आरोपी कार चालक को मनी माजरा से एमडीसी थाने को जाने को कहा, जहां कच्चे रास्ते पर ले गया। वहां उसने दोस्त के आने की बात कहकर गाड़ी रुकवा ली। ड्राइवर के साथ की सीट पर बैठा आरोपी लूट को अंजाम देने के मकसद से अंधेरा होने का इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटा बाद अंधेरा होने पर आरोपी ने चाकू निकालकर स्वप्नील की गर्दन पर रख दिया। क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज कर्मवीर ने बताया कि बीती शनिवार को एक व्यक्ति से चाकू की नोक पर कार लूटी गई थी। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, ताकि चोरी की कार और वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद किया जा सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास स्कूटी थी और उसकी गर्लफ्रेंड कार में घूमना चाहती थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।